नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शाम के जब बजते हैं सात तो वक्त हो जाता है प्रदेश और देश की उस हलचल को जानने का जिसने पूरे मुल्क की तस्वीर और तासीर बदल कर रख दी है। और जब बात तस्वीर की होती है तो सबसे पहले हम सात की बात में वो सात तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिन्होंने आपके जिंदगी में भी असर डाला है। सबसे पहले बात मुंबई में फेक वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे, इसके बाद दूसरी खबर में बात करेंगे यूपी में मिले कप्पा वेरिएंट की। वहीं नौकरशाह से नेता बने अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही लालू राबड़ी की अगरबत्ती काफी खुशबू दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक को दो टूक जवाब दे दिया है। आखिर में यूपी में रोज रोज दर बदल से 2022 पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुंबई में फेक वैक्सीनेशन को लेकर क्या बड़ी खबर है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार आज केंद्र सरकार को एक पत्र लिखने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग केंद्र को पत्र लिखकर मांग करने का इरादा है कि मुंबई और ठाणे में फर्जी वैक्सीनेशन करवाए लोगों का कोविन सर्टिफिकेट रद्द हो। जिन लोगों को फर्जी वैक्सीन लगी है उन्हें वापस बीएमसी कोरोना टीका लगाएगी। जैसे ही पीड़ितों का डाटा डिलीट होगा उसके बाद राज्य सरकार सभी का वैक्सीनेशन करने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर देगी। दरअसल अप्रैल और मई महीने में मुंबई और ठाणे में कुल 20 से ज्यादा जगहों पर फर्जी टीकाकरण केंद्रों का आयोजन हुआ था। इसमें करीब 3,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की आशंका है। इस मामले में 11 FIR दर्ज हुए हैं, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी कुछ पुलिस स्टेशन्स में नई शिकायतें सामने आई हैं। मुंबई में फर्जी टीकाकरण के कई मामले देखने को मिले हैं, जिसके बाद बीएमसी ने फर्जी टीकाकरण पर रोक लगाने के लिए कुछ खास नियमों को तैयार किया है। टीकाकरण अभियान प्राइवेट कोविड टीकाकरण केंद्र के माध्यम से ही चलाया जाएगा। निजी कोविड टीकाकरण केंद्र को कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। समिति को सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त भी करना होगा, तभी ये सारी चीजें मान्य हो सकती हैं। तो आगे बढ़ती हुई अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल यूपी में कप्पा वेरिएंट पहली बार मिला है। इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया जा चुका है। वहीं कोरोना वायरस के नए स्वरूप डेल्टा, डेल्टा प्लस और कप्पा वेरिएंट की पुष्टि के बाद शासन ने पूरे मामले की जानकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मांगी है। संक्रमितों का नाम पता सहित पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरेश सिंह ने बताया है कि कोरोना का कप्पा वेरिएंट यूपी में पहली बार मिला है। इसके B1.617 वंश के म्यूटेशन से ही पैदा हुआ है, जो डेल्टा वेरिएंट के लिए भी जिम्मेदार है। B1.617 के एक दर्जन से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। इनमें से दो खास हैं E484Q और L452R। इसलिए इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट भी कहा जाता है। जैसे जैसे ये विकसित होगा B.1.617 की नई वंशावली तैयार होगी। B.1.617.2 को डेल्टा वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है, जो कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके अन्य वंश B.1.617.1 को कप्पा कहा जाता है। इसे अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक माना जा रहा है। इसे हाल ही में भारत में वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। इसका अर्थ ये होता है कि ये वो स्वरूप है जो बेहद घातक हो सकता है। देश के कई राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इसकी वजह से कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। यूपी में संभवतः डेल्टा प्लस का पहला मामला गोरखपुर यानी कि सीएम सिटी में मिला है। नौकरशाह से नेता बने अश्विनी वैष्णव आज आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए नजर आए। कार्यभार संभालते ही उन्होंने नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर को चेतावनी दे दी है। आपको याद होगा कि ट्विटर और केंद्र सरकार में ठनी हुई है। ट्विटर की मनमानी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि देश का कानून सबके लिए बराबर है और हर किसी को इसे मानना ही होगा। इस बीच ट्विटर ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वो 8 हफ्तों के भीतर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर लेगा। ट्विटर ने कोर्ट को यह भी बताया कि वो आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह कार्यालय उसकी स्थायी होगी।
संसद सदस्य के रूप में वैष्णव का ये पहला कार्यकाल है और वो कैबिनेट मंत्री के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रभारी होंगे। वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और संचार मंत्रालय में वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की जगह ली है और आते ही उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है और ट्विटर को करारा जवाब भी दिया है और जवाब भी मांगा है। वहीं हमारी चौथी खबर जो है वो बिहार से आ रही है। दरअसल आप इस परिवार को बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि 25 साल इस पार्टी को हो चुके हैं और 25 साल में नए नए तरीकों से ये परिवार जो है सामने आता रहा है। LR अगरबत्ती यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती की खुशबू अब चारों तरफ फैलेगी। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब बिजनेसमैन भी बन गए हैं। अभी तो वो सिर्फ ट्वीट ही खेल रहे थे लेकिन अब उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने काम शुरू किया है अगरबत्ती का। पटना और दानापुर के पास लालू खटाल में इसका शोरूम बनाया गया है। लालू खटाल का मतलब लालू की गौशाला से है। वहां बड़ी संख्या में लालू प्रसाद गाय और भैंस रखा करते हैं। सत्ता में रहने के दौरान मुख्यमंत्री आवास में भी लालू प्रसाद का खटाला था, इसी में अगरबत्तियां बनती थी और शोरूम से बेची जाती थी। तेज प्रताप यादव शोरूम में हमेशा नहीं बैठते लेकिन कभी कभी जरूर नजर मारते हैं, लेकिन यहां लगे सीसीटीवी कैमरे से वे हमेशा मोबाइल के जरिए निगरानी करते रहते हैं। शोरूम में कौन आएगा कौन गया इस सब की जानकारी उन्हें बखूबी रहती है। हमारी अगली खबर है जो कि आप सबके लिए है क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पर्यटक स्थलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं क्योंकि दूसरी वेव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और जो थर्ड वेव है वो आती हुई नजर आ रही है। देश में बुधवार को 45,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान 44,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए और 819 की संक्रमण की वजह से जान चली गई। एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या 300 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में 56 दिनों के बाद नए केस ठीक होने वाले मरीजों से ज़्यादा आए हैं। 56 दिन बाद ही एक्टिव केस में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले 12 मई को 3.62 लाख केस आए थे और 3.52 लाख मरीज ठीक हुए थे। इसी दिन एक्टिव केस में 6,399 की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद से एक्टिव केस में लगातार गिरावट हो रही थी लेकिन हम जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें हैं कि बीते 24 घंटे में देश में कुल मामले कितने आए हैं, कितने ठीक हुए हैं, कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोगों का इलाज हुआ है, कितने लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो बीते 24 घंटे में कुल नए केस आए हैं 45,724। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए हैं 44,506। बीते 24 घंटे में कुल मौतें हुई हैं 819 और अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं 3.07 करोड़। अब तक ठीक हुए हैं 2.98 करोड़। अब तक कुल मौतें हुई हैं 4.05 लाख। अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 4.54 लाख है। 8 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी हैं क्योंकि वो राज्य अभी पूरी तरह से वहां से मामले खत्म नहीं हुए हैं, मामले वहां पर बढ़ रहे हैं, इस वजह से वहां पर अभी भी पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन जिन राज्यों में प्रतिबंध हटा है वहां पर लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी की तरफ से फेसबुक, जो कि आप सभी का फेवरेट है और हर कोई अपने मोबाइल फोन में फेसबुक जरूर चलाता होगा, सबकी फेसबुक आईडी जरूर होगी। दरअसल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन को जारी समन रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार मना किया। विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने दिल्ली हिंसा के दौरान भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाने में विफलता को लेकर फेसबुक को एक समन जारी किया था। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए अजीत मोहन इससे जुड़े सवालों का जवाब देने से कमेटी को मना कर सकते हैं। गौरतलब है कि फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन ने दिल्ली विधानसभा की कमेटी की तरफ से भेजे गए समन को सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी थी। फरवरी में अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
साल 2020 के फरवरी में पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में फेसबुक की क्या भूमिका थी, इसकी जांच को लेकर दिल्ली सरकार की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने समन किया था। इसके बाद अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए वहां पर याचिका दायर की थी। इस कमेटी ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गवाह के रूप में पेश नहीं होने पर अजीत मोहन को एक नोटिस भी जारी किया था। और साथ की बात में हमारी आखिरी खबर है यूपी की राजनीति को लेकर। देखिए 2022 बेहद नज़दीक है, सभी पार्टियां दल बदल कर रही हैं और कुछ बिछड़े मिल रहे हैं तो कुछ मिलकर बिछड़ रहे हैं। ऐसा ही आज हुआ है। ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की दोस्ती का क्या असर होगा उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, इसको लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हैं। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने अनेक हैं। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा, घरेलू बिजली का बिल माफ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू, प्रदेश में अनिवार्य फ्री शिक्षा, अमन भाईचारा, काम करने के लिए संकल्प, भागीदारी मोर्चा, हम एक विकल्प के तौर पर हैं। सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया और अब भाजपा को भी देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने फिर कहा, हम भाजपा के साथ जाने वाले नहीं, क्योंकि बीजेपी एक डूबती हुई नैया है। बीजेपी ने कल कैबिनेट विस्तार कर साबित कर दिया कि अमन चैन नहीं कायम कर पाएंगे। पिछड़ी जाति के नेता कहां थे, अब बीजेपी के पास कोई जाति का नेता नहीं जाता। 2022 में संकल्प भागीदारी मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा, अभी तो शादी हुई है, जब बच्चा होगा तब नाम के बारे में पूछ लेना। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर ओवैसी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को डुबो देते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की दोस्ती यहां तक तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये दोस्ती क्या रंग लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर 2019 की मैं बात करूं, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, सपा बसपा जो बहुत पुराने दुश्मन थे, सालों से जिनकी दुश्मनी चली आ रही थी, उन्होंने गठबंधन कर लिया, लेकिन गठबंधन में जब उनके हाथ उतनी सीटें नहीं लगी जो वो सोच रहे थे तो फिर दोनों पार्टियां अलग हो गई। और अब आपके सामने उदाहरण है ही है किस तरह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। आज साथ की बात में इतना ही, कल फिर लौटेंगे दिन भर की 7 बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।